कृष्ण प्रिया बरियसी प्रेम भक्ति प्रद देवी राधिकेतांग नमाम्यहम् राधे वृंदावनधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतम् वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादर्णुमवीक्ष्णश जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विश्वता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय पुरुषोत्तम देव की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। जय व्रतपालनकारी भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्रम ओं नमः पुरुषोत्तमाय। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पुराण पुरुष विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते नामना सहस्रम वक्ष्यामि तस्य भागवत उद्धृतम् यस्य प्रसादात् बगीचा प्रजेशा विभवन्नता क्षुद्रापि भवन्तासु श्रीकृष्णं तं नतोऽस्म्यहम्। यहाँ पर बता रहे हैं पुराण पुरुष स्वयं जो सर्वत्र व्याप्त और वर्तमान उनका नाम उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं देश नहीं काल नहीं पात्र नहीं जहाँ पर पुरुषोत्तम देव विराजमान नहीं है। वो सर्वत्र विराजमान है। अनुरूपनियान बृहत विनयान क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी के अंदर में और बृहत से बृहत सर्वत्र वर्तमान है विराजमान है। अतीत में थे या भविष्य में रहेंगे ऐसा नहीं, वर्तमान सर्वत्र है। कहते उनके भागवत में क्या किया, उनके लाखों करोड़ों नामों का विभिन्न स्वरूपों के द्वारा वर्णन किया। कहीं उनको विष्णु कहा, कहीं उनको नारायण कहा, कहीं उनको मत्स्य कुर्म बरहा आदि विभिन्न नामों से उनको पुकारते हैं। किंतु पुरुषोत्तम देव उन अवतारों के अंदर में भी विराजमान है।
और बाहर में भी विराजमान है। ऐसा नहीं कि केवल प्राणियों में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, किंतु अपने आत्मा में जो वहाँ कौन विराजमान है। इससे यहाँ पर कहते हैं भागवत उद्धृतम, जितने महाभागवत भगवत परिकर आदि सभी विराजमान है। किधर? पुरुषोत्तम देव के अंदर में। कहते उनके कृपा से ही जस्य प्रसादात बागीचा प्रदेशा विभवन्नता। यदि उनकी कृपा नहीं हुई तो कितना ही पंडित हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, वो कभी भी अपने स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। जब तक पुरुषोत्तम भगवान का, पुरुषोत्तम देव का कृपा नहीं हुई और उनका आश्रय नहीं ग्रहण किया, तब तक वो चाहे कुछ भी करे, वो कभी भी आत्मधर्म में पालन नहीं कर सकता। कहते क्षुद्रापि भवन्तासु श्रीकृष्ण तम नतोस्महम, छोटे से छोटे कीड़े क्यों न हो, कहीं भी वो आत्मा पुरुषोत्तम भगवान के जो पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनके चरणों में यदि शरणागत होता है तो क्या होगा, और आत्मधर्म में स्वरूप धर्म में अवश्य ही वो प्रतिष्ठित हो जाएगा और पालन करने के लिए सामर्थ्य लाभ करेगा। अनंता एव कृष्णस्य लीला नाम प्रवर्तिका उक्ता भगवता गृहे प्रकटा अपि कुत्रचित् अतस्थानि प्रवक्ष्यामि नामानि मुरभैरिणः सहस्रम जस्तु पठित पठितम सैत सुखामृतम। कहते सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भगवान के जितना अनंत नाम समूह, अनंत लीला समूह सबको आस्वादन करने के बाद में उन्होंने जो भगवान पुरुषोत्तम एवं उनके जो प्रिय भक्त उनके लीला कथाओं का ही केवल उन्होंने स्मरण कीर्तन किया और करने की आदेश दिया, और उन्होंने कुछ आदेश नहीं दिया। यदि उन भक्त भागवत और जो भगवान पुरुषोत्तम उनके सानिध्य में नहीं पहुंचता है तो शत्रु के द्वारा ही वो पराजित होते रहेंगे, वो मारे जाएंगे, उनको कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि उनके विभिन्न प्रकार कामना वासना के द्वारा वही उनके प्रधान शत्रु हैं। जिस व्यक्ति के जितने ही कामना है, जितना आकांक्षा है, महत्वाकांक्षी है, वही इतना ही शत्रु के द्वारा पराजित है और उसके द्वारा पीड़ित है, शासित है, और उनके आश्रय में ही वो अपना यंत्रणा भोग करते हैं। इसलिए कहते सहस्र सहस्त्रम जयस्तु पठित ही पठितम स सुखामृतम। सुखदेव गोस्वामी इसे कहते हैं बार बार उन माँ भागवतों की, महाजनों की आश्रय लो। कौन महाजन? पुरुषोत्तम देव के चरणाश्रित। तो कहते हैं स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर भैया सकीर भयम। ये जो द्वादश महाजन, ये लोग सब समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और उनके अनुगत जन, वो लोग पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा रक्षित है, सदा पारित पोषित है, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। नहीं तो शत्रु बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसके जितना जितना कामना होता है, वो कामनाओं के आसपास में सब परिकर लोग विराजमान रहते हैं, शत्रु लोग विराजमान रहते हैं। दुश्मन कौन सा? जो हमारे कामना में बाधा पड़ता है, बाधा देता है और इच्छा पूर्ति नहीं हो पाता है, वही हमारा दुश्मन। आज यदि इच्छा कोई पूर्ति कर दिया और फिर क्या होगा, उनके
अनुजाई हम नहीं चले, उनके इच्छा के अनुजाई हम चलने का हमारा सामर्थ्य नहीं, तो वो हमें सदा के लिए त्याग देंगे। हाँ, तो इसलिए इस जगत में कोई मित्र नहीं, सब शत्रु हैं। किंतु मित्र यदि कोई होता तो आत्मधर्म में वो हमें ले आते, प्रवेश कराते, अधिकार देते। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि क्या पठित पठित ही पठितम, क्या पढ़ो क्या पढ़ाओ से सुखामृतम। सुखदेव गोस्वामी ने जो कुछ कहा हाँ यही अमृत है, और नहीं तो सभी मृत है। हाँ, इससे कृष्ण नाम सस्य ऋषि अग्नि निरूपित गायत्री च तथा छंदो देवता पुरुषोत्तम। देखो भाई, कृष्ण नाम हजार हजार लाख लाख जप करो, ऋषि महर्षियों के हृदय में जितना प्रकार ताप है उस वो निर्वापित हो सकता है, किंतु जब तक आप गायत्री का उपासना नहीं करते हैं तब तक पुरुषोत्तम भगवान को आप वशीभूत नहीं कर सकते। कहते गायत्री एक ब्रह्म गायत्री और एक सावित्री गायत्री। अब यहाँ कहते गायत्री चतुर्धा छंदो देवता पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान के लिए गायत्री है। उस गायत्री को पहले ही वर्णन किया कि मंत्र है ओम नमो गोवर्धन धर्म, और गायत्री है क्या गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुल उत्सव मिश्रानम गोविंदम गोपिका प्रियम। तो ये गायत्री च तथा छंदो देवता पुरुषोत्तम, यदि पुरुषोत्तम देवता को प्रसन्न करना है, उनके साथ संबंध जोड़ना है, तो गायत्री और मंत्र के द्वारा ही आप उनके निकट तक तो पहुंच सकते हैं। किंतु यदि कृष्ण नाम हजार हजार लाख लाख बार ग्रहण करते हैं, अब कौन कृष्ण द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, या जो युगावतार कृष्ण है कौन है, हैं उसके द्वारा ताप अग्नि अर्थात आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधुभौतिक ये सब शांत हो सकता है, किंतु आगे जब तक कि गायत्री के द्वारा उपासना नहीं करते हैं तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। विनियोग समस्तेषु पुरुषार्थेषु वहीमत बीजं भक्ति भक्त प्रिय शक्ति सत्यवाग उच्चते हरि। कहते सब कुछ हम धर्मार्थ काम मुख्य एक ही करके ये समर्पण करना पड़ेगा। जब ये सब चीज समर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा, बार बार इच्छा जागृत होगा, हम धर्म कर ले, अच्छा अर्थ प्राप्त कर ले और अपना कामनाओं का पूर्ति कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले, कभी न कभी उछल पुथल करेगा। इससे पहले ही क्या करो, विनियोग सब कुछ उनको समर्पण कर दो। हैं किंतु क्या करना है, बीजं भक्त प्रिय शक्ति सत्यभाग उच्चते हरि। जो बीज मंत्र हैं भक्तों के पास विराजमान है, हैं जो कि समस्त शक्ति हैं, बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे और शक्ति के निकट, यदि भगवान के शक्ति के आश्रय नहीं किया तो आप सत वस्तु सत्य वस्तु के तरफ आप नहीं चल सकते, सामर्थ्य नहीं होगा। इसे शक्ति चाहिए और वो शक्ति भक्तों के निकट है, वो बीज मंत्र के द्वारा वो शक्ति प्राप्त किया है। भक्त उद्धारण तस्तु मंत्रो अत्र परम मत अवतारित भक्तांश कीलकम परिकीर्तित। अब एक बात ध्यान करना है, हम अंते नारायण स्मृति, यदि पहले हमने
मंत्रमाला किया, जप तप किया, किंतु आखिरी में जाके गोल खा गया। थोड़ा स्वरी धर्म मनो धर्म या मंत्र देवता के पास कुछ प्रार्थना किया, अनुरोध किया। कैसे होता है? अपने लिए सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण जस बजस के अंदर अपने लिए अभिभूत नहीं होते, ना मांगता। जब कोई आश्रय लेता है, अनुजाई हो जाता है, किसी के विपत्ति आता है सुख दुख के समय, उस समय क्या करेगा? उस समय सब गोल खा जाता है। हाँ प्रभु, इनको दया करो, इनको कृपा करो, इसको मुक्त कर दो। मेरा भजन नहीं हो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा देख लो प्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु आज वासुदेव दत्त आया, आकर के बोले प्रभु आपसे कुछ मांगना है, तो क्या मांगना है? बोले सब जगत के जीवों का जितना पाप है, ताप है, रोग है, शोक है, अपराध है, जो कुछ है सब मुझे दे दो और मैं भोग करता हूँ, कोई बात नहीं। और सब लोग भजन करें, भक्ति करें। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते यदि किसी ने आपका प्रार्थना किया और मांगा, तब तो हो भी सकता है। यदि किसी इच्छा नहीं है, क्या जबरदस्ती देंगे? कहते हैं इंद्र कुछ ऐसा अभिमानी हो गया तो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर डालता है, तो उनको दंड मिलता है। तो कभी इंद्र सुअर बन गया अभिशाप से, तो सुअर बन गया तो ब्रह्मा जी आए, बोले इंद्र एक काम कर, चलो स्वर्गलोक में। बोले क्यों? वह क्या है? अरे तू महाराज इंद्र है, देवेंद्र है, राजगद्दी में बैठेगा, वहाँ ही रहेगा। बोलो वहाँ क्या है? टट्टी मिलेगा? बोले नहीं, ये क्या करेगा? अमृत पिएगा? बोले मुझे नहीं जाना है, ये सुंदर सुगंध नरम और कितना स्वादिष्ट लोग राजभोग रसगुल्ला खाया तो टट्टी करके मेरे को तैयार करके दिया, इसको छोड़ के मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाता। बोले इंद्र चलो, नहीं वहाँ क्या मेरे को इतना बच्चे मिलेंगे? बोले अरे सब तेरा है, नहीं इतना पत्नियाँ मिलेंगे? बोले वहाँ और भी बहुत अप्सरा हैं। बोले नहीं, बहुत कोशिश कर ली, नहीं जाएगा। तो उन्होंने देखा बच्चे को उठा कर मार दिया सब। बोले क्या हो गया, दस दस बीस बीस बच्चे एक बार में एक पत्नी से पैदा कर दूंगा? पत्नियों को मार दिया। बोले क्या है, और इकट्ठा कर लूँगा पत्नियाँ। तो बोले क्या करा जाए इनको। फिर ब्रह्मा जी ने दुखी होकर के अपने कमंडल से जल लेके मंत्रपुत करके कि इनके ऊपर जो अभिशाप है, इससे इनको मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो उसको जब मुक्त कर दी, देखा शरीर से सारा शरीर टट्टी, और कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, कहाँ लुटपुट खा रहा है, क्या कहाँ आया? तो कहते हैं जीव साधन करता है, किंतु जब देखता है किसी को तो उनके लिए उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पर दुख खातर। तो उनके लिए कृपा करने के लिए मचल जाता है, कुछ उछल जाता है। कहते हैं एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, तो अपने को तैरना आता नहीं, कूद गया तो वो भी डूबा, और गलाला वो भी इनको पकड़ लिया ना, तो दोनों एक साथ में डूब गया। तो अभी किसके पास सामर्थ्य है कि मैं अपने को बचा सकता हूँ, तो दूसरे को भी उद्धार कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ? किंतु ऐसा नहीं होता है तो कहते हैं भक्त उद्धरण उद्धरण यत्नस्तु, भक्त उद्धरण यत्नस्तु मंत्रत्र परम मत। भाई देखो, आप और हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, किंतु एक काम कर सकते हैं, उनका मंत्र, उनका नाम,
उनके जो गुणगान ये हम कीर्तन कर सकते हैं। यदि भक्त उद्धरण यत्नस्तु, किंतु व्यक्तिगत रूप में यदि हम किसी का उद्धार करने के लिए कोशिश करेंगे तो पहले सोचना है हमारे पैर के नीचे मिट्टी है कि नहीं, हम कहाँ हैं। किंतु मंत्र देवता मंत्र तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मंत्र और मंत्र देवता अलग नहीं है, उनके निकट तक आप पहुँचा सकते हैं। या प्रार्थना मंत्र देवता के निकट कर सकते हैं। कहते अवतारित भक्तांश किरकम परिकर्तित, जितना अवतारावली है भगवान एक साथ में उठाते नहीं है, पहले अवतारावलियों को देख करके धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि एक बार में पीएचडी और डिलीट के और स्कूलों में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं भेजता है, पहले प्राइमरी स्कूल में केजी क्लास में यूकेजी एलकेजी करते 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 धीरे 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 बढ़ाते आगे। अब यदि कोई कहे नहीं और त्रिशंकु की तरह गुरु जी हाँ मैं आपका शरण में हूँ, बड़े बहुत भाग्यशाली हो तुम हमारे शरण में आए, तो क्या चाहिए, तो मेरे को दीक्षा दो, मंत्र दो, अपनाओ, अब अपनाया ठीक है सब देता हूँ। गुरु जी आप बड़े शक्तिशाली हैं, मेरे को अभी स्वर्गलोक भेज दो। गुरु जी ले अभी भी ले मंत्र बुद्ध करके स्वर्ग में भेज दी, तो स्वर्ग में लोग दिख रहे ये कहाँ से टॉयलेट फैक्ट्री आ रहा है, कहाँ से हैं ये चमड़ी और दमड़ी के अंदर चमड़े का थैली मांस हड्डी पबा मवाद पीप और कप खकार थूक और मवाद के नहीं और टट्टी और पेशाब का थैली कैसे आ रहा है यहाँ, बैलून गुब्बारा उड़ा दो गैस बैलून ऊपर जाके फट कर नीचे आ जाता है, ये कैसे जा रहा है गैस बैलून कैसे जा रहा है स्वर्ग लोग, लोगों ने देखा गंदगी की मारे जीने नहीं देगा, शरीर के रूम रूम से गंदा निकलता है, टॉयलेट का गंदा चारों तरफ से निकलता है, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग लोक में आएगा दे धक्का, गुरु जी गिर गया मर गया तो तिष्ठ, अब सर नीचे पैर ऊपर लटक गया, जैसे गुरु ऐसे चेला, हाँ नरक में दोनों ठेलम ठेला। तो गुरु की शक्ति और चेले की शक्ति भक्ति, हाँ तो गुरु चंडाल है नो गुरु घंटाल घंटे में जाता है और शिष्य चंडाल। इससे कहते भक्त उद्धारण यत्नस्तु, भाई उनको मंत्र दो तो मंत्र का जप करे कीर्तन करे, तुम अपने व्यक्तिगत स्पेशल कृपा करने मत जाओ, कैसे कृपा करेगा, इतने बहुत है श्रवण कीर्तन में उनको मदद करा, तुम कीर्तन करो श्रवण करो भक्ति अंग पालन करो तो तुम्हारा उन्नति होगा, एक दिन तुम भी हमें समझोगे और भगवान को भी समझोगे, भक्ति का मार्ग पालन करो, नहीं ये सब कुछ नहीं करूँगा, श्रवण नहीं करूँगा, कीर्तन नहीं करूँगा, अर्चन नहीं करूँगा, कोई भक्ति का अंग पालन नहीं करूँगा, मुझे अभी सिद्धि चाहिए। ये सिद्धि कैसा है, सिद्धि है तंत्र मंत्र जंत्र है, हैं ये सिद्धि नहीं है, ये क्या होगा, इसके लिए कहते हैं भगवान अवतारित भक्तांश किलकम परिकीर्तित, एकदम खूंटा गाड़ दिया तुमको, हाँ श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवणाख्य भक्ति का पालन करो, श्रवण करके उसको कीर्तन करो स्मरण करो, भक्ति अंग पालन नहीं करेगा तो आपके लिए किलकम नहीं होगा, किलकम मतलब खूंटा पक्का नहीं होगा, दृढ़ नहीं हो सकता और ना आगे बढ़ सकता, ये पक्का समझ लो। क्या बोलते हैं इसके बाद, अस्त्रम सर्वसमर्थस्य गोविंद कवचम मत पुरुषो ध्यान मंत्रोक्त सिद्धि स्वर्ण संस्मृति, तुम अस्त्र चाहिए क्या, सर्वसमर्थ चाहे कितना विपत्ति आए मैं श्रवण नहीं छोड़ूंगा, कीर्तन नहीं छोड़ूंगा, स्मरण नहीं छोड़ूंगा, भक्ति के अंग नहीं छोड़ूंगा, हाँ ये पक्का अस्त्र है, हाँ हम चाहे कुछ भी हो जाए हम गोविंद कवच सम्मतम, ये भगवान का नाम रूपी अस्त्र को हम धारण कर लिया।
सर्वसमर्थ समस्त शक्ति देने वाला ही गोविंद नाम है। और पुरुषो ध्यान मंत्रोक्त भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान छूटे नहीं। बताते ना स्मर्तव्य सत्यं विष्णु विस्मर्तव्य न जाति सर्वविधि निषदया सूर्य तैव किंकरा। यदि भगवान के दासम दास बनना है तो जिनके स्मरण करोगे उनका ही तो दास बनोगे। इससे कम करना है, अभ्यास करना है, धीरे 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 भगवत स्मरण करे तो और भूल जाए। तो भगवत स्मरण करने का टाइम नहीं, किंतु कोई आगे घुसपैठी घुस जाएगा, चीर फाड़ करके दरार डाल के घुस जाएगा हमारे दिल में, हम उनको स्मरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। ऐसी जगह बना लेता है उस समय मरना मंजूर है, किंतु उनको भूलना मंजूर नहीं है, छोड़ना मंजूर नहीं है। उनका घर दीवार में फोटो चिपका के रखेंगे, जगह जगह पर उनके गौनावली को लिख के रखेंगे। नहीं, आजकल तो बड़ा आसान है, यूँ बटन दबा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, सब आ जाएगा आपके सामने। और लाइन ऑन है, ऑफ नहीं है, कुछ भी देख लो। रात को सोते नहीं हैं, 12 बजे तक गूगल देखता रहता है, तो नींद कहाँ से आएगी, फिर सुबह उठता नहीं है, क्या करेगा? क्यों उसके बिना नींद आती नहीं है? उसको गाल से चूमता है, छाती में चिपकता है, सर में लगाता है, कभी कंधे में, कभी सूंघ के देखता है खुशबू आ रहा है कि नहीं, क्या करेगा? ये मंत्र सिद्धि हो रहा है ना, भगवान की स्मरण, किसकी स्मरण कर रहे हो भाई? इसे कहते पुरुषो ध्यान मंत्रोक्त सिद्धि स्वर्ण संस्कृति। आप जिसके स्मरण करेंगे वही से सिद्धि मिलेगा, वही तो ध्यान में आएगा। इससे अस्त्र धारण करो, क्या सर्वसमर्थस्य गोविंद कवचम मत, गोविंद का कवच धारण कर लो। गोविंद के अलावा याद नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है, मरे मिटे चाहे कुछ भी हो जाए, हैं अंते गोविंद स्मृति, और कोई साथ में नहीं जाएगा। ये जितना चुम लो गाल और नाच लो और गालो, हैं किंतु वो कोई साथ तो जाएगा नहीं, और कोई साथ देगा नहीं, जहर डालेगा, आग लगाएगा, दफनाएगा, किंतु कोई साथ नहीं जाएगा। अंते गोविंद स्मृति, इससे गोविंद कवचम मत, ये प्रतिज्ञा करो हम गोविंद के अलावा और कुछ किसी को याद नहीं करेंगे, ये कवच को धारण करेंगे। तो परम पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष ध्यान मंत्रोक्त, वो पुरुषोत्तम देव ध्यान में आएंगे, तभी तो सिद्धि स्वर्ण संस्मृति। ये सिद्धि क्या, आप अधिकांश समय को स्मरण कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं, भूलते ही याद आ जाएगा, अरे क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लौट के आओ, चलो प्रभु का ध्यान करो। अब प्रभु का ध्यान आएगा ही नहीं तो क्या होगा, छूट गया तो। इससे गुरु लोगों ने माला दिया, माला को जप करो, अभ्यास करो, धीरे 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 करके अभ्यास हो जाएगा तो छूटेगा ही नहीं, कभी भूलेगा ही नहीं। और कोई आ भी गया समझ जाएगा, ये काल्पनिक आ गया, क्रिमिनल आ गया, राक्षस आ गया, निकलने के लिए जा रहा है तिमिंगिल, वो कहते हैं काम क्रोध नकर मकरादि कबल कृदेश दुर्वासना निगृतेश चैतन्य चंद्र देही पदावलम संसार दुख जलदो उपदेश। कहते संसार रूपी दुख जलदो में गिर चुका, निकलने का कोई उपाय नहीं, काम क्रोध तिमिंगिल निकल रहे हैं, क्या करूं? इससे महाप्रभु ने कहा कि देखो उनका नित्य स्मरण करो, यदि सिद्धि चाहिए तो। और किसका, पुरुष हो ध्यान मंत्रोक्त, वो परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करने के लिए जो मंत्र दिया गया, वो मंत्र का ही नित्य कीर्तन और स्मरण करो। अब कहते हैं आसान कैसे हो सकता है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद नित्य लीला विनोदकृत सर्वागम विनोदी च लक्ष्मी सह पुरुषोत्तम। कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम हैं, सब जगह में
सब अवतार में लक्ष्मी के साथ है, महालक्ष्मी और उनके अंश उनके प्रकाश के साथ में रहते हैं, हैं। किंतु कृष्ण कैसे हैं, उनका एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लक्ष्मी हैं, हैं। जिन लक्ष्मी लक्ष्मियों की कोई गिनती नहीं है, हैं। उनने सबके अंदर शक्ति संचार करके रखा है और वो कृष्ण सच्चिदानंद है, नित्य लीला विनोदकृत, वो ऐसे लीलाएं करते हैं सबके हृदय को विनोद अर्थात आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए ऐसे भगवान का जब शरणागत होंगे, स्मरण करेंगे, तो आपका क्या होगा, आदिकाल सर्वकाल कालात्मा मायावृत भक्त उद्धार प्रजत्तात्मा जगतकर्ता जगन्मय, कहते अतीत काल में भविष्य में वर्तमान में जो माया के द्वारा हम परिचालित हो रहे हैं, आवृत हो चुके हैं, ढक चुके हैं, हैं उनको उद्धार करने के लिए हैं ओ जगतकर्ता हमारे भगवान पुरुषोत्तम जगतमय वो आविर्भूत हुए, लीला शुरू किया। कहते हैं ये अधिक मास 32 दिन, इसमें एक एक दिन भगवान ने एक एक लीला की, कभी जन्माष्टमी किया भगवान जन्म लीला किया, कभी रामनवमी किया, कभी शिवरात्रि किया, कभी नृसिंह जयंती किया निश्चयोदशी, कभी गिरिराज को धारण किया, कभी जगन्नाथ की लीला की, पूरा महीना एक एक अवतारों के लीला के द्वारा जब भक्तों का हृदय को आकर्षण किया, उनके उद्धार के लिए समस्त प्रकार से प्रयत्न किया, सब अवतारों को बुला लिया, आओ इन जीवों के अंदर में जिस योनि में जो कुछ कुकर्म किया उसका फल से उनको मुक्त करो, अर्थात उनको आत्म ज्ञान लाभ करने के लिए, आत्मतत्व के ऊपर चलने के लिए उनको शक्ति संचार करो, कृपा करो। कदर नाम लीला परो विष्णु वैशात्मा सुखमुखद व्यापी वैकुंठ तथा च श्रीमद्भागवत गम, पता और कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु व्यास के रूप में आए, आ करके क्या किया, भगवान के नामों का उच्चारण करना, कीर्तन करना शुरू कर दिया, सिखाया। सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित कैसे किया, भगवान के नामों के द्वारा, रूपों के द्वारा, उनके गुण और लीलाओं के द्वारा उनको भी आकर्षण कर लिया, और आकर्षण करके हैं उनको अपने पास लाया, और वैकुंठीय भक्ति उससे ऊपर जो गोलकीय भक्ति हैं और गोलक के जो निवासी परिकर आदि जो महाभागवत जन उनके साथ संबंध करा दिया। अब सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, सुखवाद अमृतात बिंदु स्वनुकादि अखिल चेष्ट भक्ति प्रवर्तक स्त्राता वैश्व चिंता विनाशक। सुखदेव गोस्वामी अपने वचन रूपी अमृत के द्वारा और अमृत रूपी सिंधु के द्वारा स्वनुकादि ऋषियों का जो अभिमान अहंकार से मुक्त कर दिया, आत्मतत्व प्रतिष्ठित कर दिया, उनको भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए उनको नियुक्त कर दिया, एकदम वो अब आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गए, वैष्णदेवी की चिंता खत्म, वो चिंता से मुक्त हो गए, अब वैष्णदेवी की चिंता नहीं रही। कहते हैं सर्व सिद्धांत भागात्मा नारद आदि अखिल चेष्ट अंतरात्मा ध्यानगम भक्ति रत्न प्रदायक, जितना प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं वो नारद ऋषि के, नारद आदि अर्थात नारद
वैस पराशर ये नहीं, जितने ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी ब्रह्मर्षि, सबके अंदर में बस क्या दे दिया, बागात्मा अर्थात भगवान के गुणों का कीर्तन करने का शक्ति दे दी। लोग बहुत प्रकार के विद्या बागेश होते हैं, खूब बोलने वाला है, बहुत मुखर और सब खुश करने वाला, किंतु भगवान को खुश करने वाला नहीं होता। दुनिया को रिझाने के लिए कितने नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, थिएटर करता है, कथा करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान आदि करते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने रिझाने के लिए कोई नहीं करता। इन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को पहले ये विद्या बागीश बनाया, इसके बाद में सर्व सिद्धांत और सब सिद्धांतों को नारद आदि बालखिल ऋषि आदि सबके अंदर में वचन की शक्ति दे दी, जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का महिमा और कीर्तन करे और बांटे। और साथ साथ में जब भगवान के गुणगान करेंगे, कोई सुनेगा तो अंतरात्मा धनगम भक्ति रत्न प्रदायक आत्मधर्म की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, भगवान ध्यान में आएंगे और भक्ति रूपी रत्न उनको प्राप्त हो जाएगा, अब उनको चिंता नहीं है। और जब तक प्रभु के नाम गुण कीर्तन नहीं किया, प्रभु के लीलाओं का कीर्तन नहीं किया, तो प्रभु ध्यान में आए नहीं है, और तो भक्ति रत्न किधर से आएगा। इससे पहले कीर्तन करना सीखना है। दुनिया को रिझाने के लिए हम कोशिश कर लेते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, भोग की वस्तु मिलेंगे, कि वो भी अनित्य तुच्छ तात्कालिक थोड़े समय के लिए, वो भी नित्य नहीं। इसे क्या किया भगवान पुरुषोत्तम देव ने, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को यह शक्ति संचार की, उन्होंने सनकादि ऋषियों को सबको क्या किया, बदल दिया, और साथ साथ में शुद्ध गोस्वामी को शक्ति संचार किया, और फिर नारद आदि को, और फिर उन्हें भक्ति रत्न प्रदान किया। मुक्तो उपस्पृश्य पुण्यात्मा मुक्तानाम रतिवर्धन भक्त कार्यिक निरतो दोनस्त्र विनिवारक। कहते हैं बहुत प्रकार के मुक्त हैं, कोई सालक्य सामीप्य शास्त्री सारूप्य साधुज्य आदि पांच प्रकार मुक्ति, किंतु इस मुक्ति के द्वारा आप अभिमानी हैं, आप निष्प्रिय हो, या आप मुक्त हो गए तो आपका कोई और आकांक्षा नहीं रहता, किंतु जब तक मुक्त हो गए इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, हैं? किंतु क्या किया पुरुषोत्तम भगवान, मुक्तानाम रुतिवर्धन, पहले पूर्णात्मा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया तो यह मुक्त होने योग्य भी हो गया, या मुक्ति प्राप्त भी कर ली, उनको भी भगवत रति उन्होंने प्रदान किया। और क्या किया, भक्त कार्य को निरतो दोनों स्त्र विनिवारक, कहते भक्तों के साथ पांडव ने संबंध किया, या भगवान के साथ उनका संबंध था, तो द्रोण या कितने बड़े बड़े कर्ण आदि अस्त्र शस्त्र से पारंगत बहुत चेष्टा किया, किंतु उनको कुछ बाल बाका भी नहीं कर सका, पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। कहते ऐसे ही जिस समय भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो और दुनिया के कितना भी बलवान, कितना भी शक्तिमान, कितना भी योग्य या अयोग्य, उनका कोई प्रभाव नहीं भी पड़ सकता। भक्त स्वयं प्रणीता च भक्त वाक परिपालक ब्रह्मण्य देव धर्मात्मा भक्तनाम च परीक्षक।
आसन्न हितकर्ता च माया हित कर प्रभु उत्तरा प्रणदाता च ब्रह्मास्त विनिवारक कहते भक्त सीमा प्रणेता च भक्त भाग परिपालक भक्त लोगों ने कुछ कह दिया भगवान उसको पूरा करते हैं। वो भक्त लोग को कभी वंचित करते नहीं, ठगते नहीं है, उनके प्रति उनका प्रीति रहता है। कहते हैं वो लोग धर्मात्मा हैं, भगवान के प्रीति के लिए ही जो कुछ करते हैं, इससे भगवान उन भक्तों को सब समय के लिए आश्रय देते हैं। उनको परीक्षा करने से कोई कुछ आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं नहीं, भगवान के चरणों में ही हैं। और माइक जगत में आप टटोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, ये जो लोग भगवान के चरण में विराजमान है, वर्तमान है, वहाँ माया का कोई कार्य नहीं है। सर्वत्र प्राणवपति परीक्षित शुद्धि कारणम गृहात्मा सर्वेदेशु भक्तिक हृदयंगम कहते हैं। परीक्षित महाराज जब अंतिम समय में प्रायपवेशन में बैठ गए तो कैसे भगवान के प्रति एकांतिक और एकाग्र होंगे, इससे सबसे मुक्त हो जाए और सबसे छुटकारा और सब लोग से अलग हो जाएंगे और भगवान के पास एकांतिक रूप में उनके साथ संबंध करेंगे, इससे सुखदेव गोस्वामी आ करके उनको सबसे मुक्त करके और भगवान के हृदय में उनका स्थान बना दिया। कुंती सुत्य प्रसन्नात्मा परमाद भूत कार्यकृत विष्णु मुक्ति प्रदस्वामी भक्त मोह निवारक कुंती ने स्तुति किया भगवान के लिए और क्या वर मांगा, प्रभु जितना दुख है सब समय मुझे दे दो, क्योंकि दुख में समय दुख के समय मैं आपको स्मरण कर सकूंगी और आपसे मैं अलग नहीं हटूंगी। सुख देने से सुख आकर के मुझे आपसे दूर हटा देते हैं, दुख देने से आप सब समय हमारे पास रहते हैं, इसे हमें दुख दे दो, सुख की जरूरत नहीं। कहते भीष्मदेव कैसे मुक्ति प्राप्त की, संसार से सबसे अलग हुए हैं और वानर सरसज्जा में पड़े रहे किंतु उनको कोई मोह नहीं, और शरीर से भी नहीं दिखाया, मन से भी नहीं, आत्मा के द्वारा परमात्मा के साथ जगयुक्त हो गए हैं, तो अपने स्वामी के साथ भगवान के साथ सब समय विराजमान है, इससे उनके शरीर सरसज्जा में पड़े हैं या मन कहीं भटक रहा है नहीं, भगवान आए भगवान के दर्शन करके और इस शरीर को छोड़ के प्रभु के साथ ही चल दिए। सर्वावस्था सुसंसिव्य सम सुख हितप्रद कृतकृत सर्वसाक्षी भक्ति भक्त स्त्री रतिवर्धन कहते हैं, यदि कोई स्त्रियाँ भी है, शूद्र भी है, कोई पतित भी है, कैसे भी है, यदि पुरुषोत्तम भगवान का शरणागत हुए और उनका व्रत पालन करने लगे, उनका आश्रय ले लिया, तो किसी भी अवस्था में कहीं भी है तो प्रभु उनको अपना लेते हैं और कभी वो छोड़ते नहीं हैं। अब हम लोग काला गला सुनेंगे। गौतम देव।